टीकमगढ़ जिले के ग्राम पंचायत केशवगढ़ के मगनलाल अहिरवार के साथ प्रशासन ने भद्दा मजाक किया है। मगनलाल अहिरवार पिता कमतु अहिरवार के पास रहने के लिए मकान नहीं है, लेकिन प्रशासन ने उन्हें शौचालय उपलब्ध करा दिया है तथा प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत गैस चूल्हा भी उपलब्ध करा दिया। अब सोचने वाली बात यह है कि पहले आवास आवश्यक है या शौचालय और गैस चूल्हा। बेचारा मगनलाल मजबूरी में शौचालय में रहने के लिए मजबूर है। मगनलाल के घर में पति पत्नी और चार बच्चियां मिलकर कुल 6 सदस्य शौचालय तथा खुले आसमान के नीचे अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। जब मगनलाल से शौचालय में रहने का कारण पूछा गया तो उन्होंने बताया कि हमारा नाम प्रधानमंत्री आवास सूची में है, लेकिन आवास मंजूर करने के लिए मुझसे गांव के सरपंच व सचिव ने 20,000 रुपये रिश्वत की मांग की है। मेरे पास रिश्वत देने के लिए रुपए नहीं थे, जिससे मुझे प्रधानमंत्री आवास का लाभ नहीं दिया गया। मोहनगढ़ से अवधेश शुक्ला की रिपोर्ट। कहाँ के निवासी हो? किशनगढ़। अब भाई साहब, जो अभी हम देख रहे हैं, आप शौचालय में निवास क्यों कर रहे हैं? इंदिरावास सरपंच ने प्रधान दौड़ी है, ना सेक्रेटरी ने ना किसी, हाँ। इसलिए इसी में जी सरकारी शौचालय बन पाए, इसी में निवास कर रहे हैं। अच्छा, क्यों नहीं दिया उन्होंने? का पता मालक क्या जगह कोई बुराई है कोई आमले कोई, हां ये सब भी पैसे हम लोग नहीं है खर्च पानी। कहां से खर्च पानी मांग रहे थे? खर्च पानी मांग, कितना मांग रहे थे? 20,000 रुपये। कुछ नहीं ना, 20 ना, अभी तो कहते हैं खर्चा 20,000 कहीं हमसे 10 नहीं कहीं, कितने कहीं 20,000 रुपये। आपने 20,000 रुपये नहीं दी पाए? हमने है नहीं है सर। शौचालय में आप लोग टोटल कितने लोग रह रहे हैं? इनमें 6 आदमी रह रहे हैं। कब से रह रहे हैं आप? 2 साल हो गई। अच्छा, अभी बरसात का समय आ रहा है, बरसात होती है तो आप लोग इसमें कैसे रहोगे फिर? ऐसे बैठी रहती है, पन्नी पन्नी बैठ जाती है, पन्नी डाल देते हैं, खुल जाती है सुबह। और आपको शासन की अन्य योजनाओं का लाभ मिल रहा होगा? अन्नदान भी मिल रहा है, अन्न मिल रहा है, 20 किलो अन्नदान भी मिल रहा है एक माह में। एक माह में 2 बच्ची का नाम भी नहीं जुड़ा है। आपको सरपंच के द्वारा कभी ग्राम पंचायत को मजदूरी दी गई कि नहीं? माँ कभी नहीं दी, मना कह रही, लगाव तक नहीं है यार। फिर आपका जीवन निर्वाह कैसे हो रहा है? बाहर मजदूरी होकर जाती है। अच्छा, बाहर।